अंबाला में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जहां पर महिला ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर पहले युवाओं पर बलात्कार का आरोप लगाकर फांसा और फिर कोर्ट में बयान बदलने के नाम पर रुपए की डिमांड की है। इस दौरान महिला ने युवाओं से 10 लाख रुपए की डिमांड की थी, जबकि युवाओं का कहना है कि पहले भी महिला कोर्ट में बयान बदलने के नाम पर 12 लाख रुपए ले चुकी है। बता दें कि प्रभावित युवाओं ने अंबाला के एसपी हामिद अख्तर से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद अंबाला पुलिस ने महिला थाना पुलिस को साथ लेकर महिला और उसके सहयोगी को डिमांड किए गए 1 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ा। महिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि 2016 में एक लड़की ने 5-6 लोगों के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था, जो कि अभी कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 2 को जांच में निर्दोष पाते हुए छोड़ दिया था। इस केस में लड़की बार बार उन लोगों से रुपए की डिमांड करती रही और फैसला हो जाने की बात कहती रही। उन्होंने लकी के पिता से रुपए की डिमांड की थी, जिसके बाद गुरविंदर ने पुलिस को शिकायत दी और कहा कि ये महिला उन्हें दबा रही है, जिसके बाद CIA व महिला थाना SHO की अध्यक्षता में टीम बनाई गई। जैसे ही महिला व उसके सहयोगी ने इन लोगों से रुपए लिए तो टीम ने उन्हें धर दबोचा। इस दौरान पुलिस ने 1 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस आज से 2016 में एक लड़की ने 5-6 आदमियों के खिलाफ एक रेप का केस दर्ज करवाया था, जो विचाराधीन न्यायालय है, जिसमें उसमें 5-6 लड़कों के नाम लिखवाने के बाद लक्की वगैरह इसमें अरेस्ट हुए थे। बाकी जो 2 मुलजिम थे उसके उनके नाम निर्दोष पाए जाने पर पुलिस ने उनको उससे निकाल दिया था। इसके बाद ये केस न्यायालय में चला हुआ है। बाद में वो लड़की इनसे कुछ ना कुछ मांग करती रही, भी मैं इस केस में आपके लिए पैसे चाहिए, मेरे को मैं इससे कुछ आपके फैसला हो जाएगा। तो इस संबंध में उसके लक्की जो लड़का है जो अक्यूज था उसके पिता से उन्होंने मांग की। आज गुरविंदर जो डेरावासी उन टाला का रहने वाला है उसने आकर SP साहब को कंप्लेंट मूव की, अब मेरे से इस प्रकार से इस केस में पैसे मांग रहे हैं और मेरे को इस एवज में दबका भी रहे हैं। तो इस संबंध में एक टीम बनाई गई, जिसमें CIA की टीम साथ में महिला SHO उनको ज्वाइंट जा कर के उनके साथ जा कर के उन आदमियों को देखा, उन आदमियों के पास वो गए और उन्होंने उसको जैसे ही पैसे दिए अपनी टीम ने उनको रंगे हाथों काबू कर लिया, जिसमें उन्होंने 1 लाख रुपया उन दोनों से बरामद किया। हाँ, अभी इससे पूछताछ चल रही है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी पूछताछ जारी है। अगर उससे ऐसा बात होगा तो रिमांड भी लेंगे, अगर उसमें हिसाब से आगे के उसमें और कौन कौन इसके साथ हो सकते हैं ये लगाया जाएगा, पीछे किसका हाथ है। और उनको दबकाया भी जा रहा था, धमकी भी दी जा रही थी, इस प्रकार से या तो आप पैसे ले लें, नहीं है तो फिर आपसे बात, वो आगे एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा। पहले तो कुछ पैसे ले चुकी है और हाँ, ये भी बात आई है कि इसने कुछ पहले पैसे ले लिए। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।